जबलपुर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने श्री रामलीला समिति गढ़ा, श्री गोविंदगंज रामलीला, मिलोनीगंज एवं आधारताल रामलीला में पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कहा कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय के लिए भगवान ने अवतार लिया और मर्यादा में रहकर किस तरह हम अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित कर सकते हैं, यह हमें भगवान श्री राम के जीवन ने सिखाया है। रामलीला में भगवान की लीला का सजीव मंचन देखकर सुखद अनुभूति होती है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। श्री राम जी के जन्म को हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी रामलीलाएं प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी लीलाएं और भी अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं। और जिन मंचों पर प्रभु श्री राम जी की लीलाओं का मंचन होता है, वे अपने आप में पवित्र मंच हैं। और इसलिए आज मैंने ये प्रयास किया है कि जबलपुर में जहाँ जहाँ भी प्रभु राम जी की लीलाओं का मंचन होता है, उन स्थानों पर जाकर प्रभु को नमन कर सकूँ, जनता जनार्दन के दर्शन कर सकूँ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ।